हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10:30 पे। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करते हैं जेट आईसीआर बीएचयू और आरपीवीटी के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के पास एक बार क्लास का शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाएं। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस। डेली क्लास रहती है सुबह 10:30 पे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चंस हैं, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो एक नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता होगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर नन ऑफ दीज। तो सेकेंड क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घट जाती है, यानी बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि किसी चश्मे का पावर 2 पॉजिटिव डायफ्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। कोई चश्मा है उसकी पावर पॉजिटिव 2 डायफ्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, ऑप्शन है पॉजिटिव 2D, पॉजिटिव 4D, नेगेटिव 2D, नेगेटिव 4D। डी का मतलब डायफ्टर, ठीक है ना। लेंस की पावर को डायफ्टर में मापा जाता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव 4D, यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होगी। फिर धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है, 0 डायफ्टर, 1 डायफ्टर, 3 डायफ्टर, 5 डायफ्टर। तो फाइव नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा 0 डायफ्टर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डायफ्टर किसकी इकाई है। डायफ्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, प्रकाश की तीव्रता की, लेंस की फोकस दूरी, ध्वनि की तीव्रता। छः नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा लेंस की क्षमता, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं। अपसारी, समानांतर, व्युत्क्रम, अभिसारी। तो सात नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा समानांतर, यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं के बीच खड़ा हो तब उनके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। यानी कोई व्यक्ति है और दो समतल दर्पण जिसको 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके बीच में खड़ा है तो उनके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे भाई, 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। फोकस दूरी या जो प्रतिबिंब ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा -1, ठीक है, 360 अपॉन थीटा, थीटा हो जाएगा जो कोण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा अपना 360 अपॉन 60 हो जाएगा और एक से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 6 होते हैं 36 और -1 कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है ना। 5 इस प्रकार से आप ये जो अपने प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, 360 अपॉन थीटा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए।
जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं तो दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए, 100 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का या फिर 70 डिग्री का। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, 360 अपॉन 90 माइनस कर दिया एक, तो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 चौके होते हैं 36, 4 में से एक गया 3, तो हमें तीन ही प्रतिबिंब प्राप्त करने थे और तीन प्रतिबिंब हमें 90 डिग्री के एंगल पर जब हम उस समतल दर्पणों को सेट करेंगे तब हमें तीन प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रखना है फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा माइनस 1। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसा अवतल लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है, अवतल दर्पण करता है या फिर उत्तल दर्पण करता है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पानी में हवा का जो बुलबुला है वैसा ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग धैर्य से, तीव्रता से, वेग से। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रकाश का रंग है वो तरंग धैर्य से निर्धारित होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या, एक वस्तु है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई है तो उससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 4, 8, 9, 9। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अनंत, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति के बराबर, व्यक्ति से आधी, व्यक्ति की दो गुनी, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा व्यक्ति से आधी होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा, ऑल ऑफ दीज। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, रेटिना पर, कॉर्निया पर, आयरिस पर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा रेटिना पर बनेगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के अगर दीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, वाहनों के अगर दीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, समतल दर्पण, उत्तला दर्पण, अवतल दर्पण, प्रावल्यक दर्पण। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रावल्यक दर्पण, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं।
19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अवतल यानी बी ऑप्शन, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, ऑल ऑफ दीच। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये एक प्रकीर्णन का उदाहरण है न कि अपवर्तन का, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत तो उसका लाभ उठा सको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।